तो लगातार भेड़िए का आतंक बना हुआ है। कौशाम्बी में खबर है जहां पर यमुना के तराई वाले इलाके में भेड़िया दिखा है, बीमार होने के चलते भाग भी नहीं पा रहा है। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। महेवा घाट थाना इलाके में यमुना के तराई इलाके का बताया जा रहा है ये वीडियो, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। बताया जा रहा है कि यमुना के तराई इलाके में भेड़िया दिखा है, बीमार होने के चलते भाग भी नहीं पा रहा है। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। महेवा घाट थाना इलाके के यमुना की तराई वाले इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। बातचीत करने के लिए इस वक्त दारा सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दारा, क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, पिछले तीन दिनों से जिस तरह से आदमखोर भेड़ियों के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चे समेत चार लोग जख्मी हुए, इसके बाद से लोग जहां एक तरफ दहशत ज्यादा है तो वही दूसरी ओर जंगली जानवरों को दिखने पर घेर कर पीट पीट कर मार डालते हैं। अब घायल अवस्था में या बीमारी अवस्था में जिस तरह से यह भेड़िया यमुना नदी के तराई इलाके में देखा गया है, वहां आसपास लोगों को हुजूम लग जाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस मामले की कानों कान भनक अभी वन विभाग को नहीं चली है। वन विभाग अधिकारी सीधा सीधा इस मामले में पल्ला झाड़ते हैं कि इस मामले की हम जांच करेंगे, उसके बाद इस मामले में आधिकारिक तौर पर करेंगे। लेकिन जिस तरह से लोगों में दहशत है कि मासूम बच्चों को कोई अपना शिकार बनाते हैं, वहीं अब आप तो यह भी देख रहे हो कि सामने आ रहा है कि बड़े लोगों पर भी हमला कर रहे हैं, जिनकी आयु 35 साल 40 साल है, चरवाहे हैं या किसान या खेत में अपना कार्य कर रहे हैं, तो उन पर भी अटैक कर रहे हैं। तो इसमें वन विभाग पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है। अभी जिन जिन गांवों में भेड़ियों के द्वारा हमला किए जाने का दावा ग्रामीणों की ओर से किया गया है, वहां पर पिंजरे भी नहीं लगाए गए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है कि डीएम ने इस पूरे मामले पे संज्ञान लिया है। डीएम ने कौशाम्बी के डीएफओ राम सिंह यादव से रिपोर्ट तलब की है कि जिन जिन गांव में जंगली जानवरों के द्वारा अटैक किए गए हैं या दिखाई दिए गए हैं, वहां पे आपके स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है, राहत बचाव के उपाय वहां पे क्या किए गए, क्या इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को या पशु चिकित्सक विभाग को आपने पत्र जारी किया है कि जिन लोगों को काटा है, किस जानवर के वो काटने के निशान थे, तमाम बिंदुओं पर डीएम ने रिपोर्ट मानी। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इसमें आगे आतंकी भेड़ियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई। जब ये वीडियो अब भेजा गया है, वायरल भी हुआ है वीडियो, तो क्या अब तक कोई वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची, इस तरह की कोई सूचना है क्या? और जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वो कुछ कुछ लकड़बग्घे जैसा दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि भेड़िए के डर से लोगों ने सियार को मार दिया है, तो इस तरह की खबरें, इस तरह के वीडियो भी लगातार आ रहे हैं। तो अब क्या, जब इस वीडियो को देखा गया है, तो क्या वन विभाग की कोई टीम वहां पहुंची है क्या? क्योंकि वन विभाग के जिम्मेदारों की अपनी अलग दलीलें, उनका एक कहना है कि अगर कोई वीडियो संज्ञान में आता है तो हम वहां जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात है, जब तक वन विभाग की टीम वहां पहुंचती तब तक ग्रामीण उसे मार देते हैं, उसके बाद से वन विभाग के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, बताया जाता है कि यह जंगली सियार है। इसी तरह मामला कल सामने आया था जहां पर एक जंगली जानवर को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला, जिसमें गांव वालों ने दावा किया कि यह भेड़िया था, जिस मामले में डीएफओ ने कहा यह जंगली सियार है। तो डर और दहशत के बीच से ग्रामीण में जिस तरह से माहौल है, ऐसे में वन विभाग को चाहिए कि यहाँ पे लोगों में जागरूकता लाए। इसके साथ साथ ही अगर कहीं गांव में ऐसे खूंखार जंगली जानवर दिख रहे हैं तो उनको पकड़ने के लिए इनको पिंजरा लगाना चाहिए, तमाम कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन तमाम जो जिम्मेदारियां है अपने जिम्मेदारों से कहीं दारा तो भेड़िए के चक्कर में सियार, लोमड़ी, बहुत सारे ऐसे जानवर है जो मारे जा रहे हैं, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। और वन विभाग कह रहा है कि देखिए, मारने की वजह जगह पर अगर आप उसे पकड़ ले तो ज्यादा बेहतर होगा। कई तस्वीरें अलग अलग जगहों से आई है और देखिए भेड़िए का आतंक किस कदर है कि लोग किसी भी जानवर को देख रहे हैं तो भेड़िया समझकर उसे मार दे रहे हैं या घायल कर दे रहे हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से जहां पर भेड़िए का हमला हुआ, एक हमले में बच्चा भी घायल हुआ है, ये कल देर रात आज सुबह की खबर है। दो भेड़िए एक साथ दिखाई दिए हैं एक जगह पर, उनके लोकेशन को ट्रेस किया गया है। एक जगह पर भेड़िया खेत में भागता दिखाई दिया, ड्रोन से भी भेड़िए की तलाश चल रही है, तमाम एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर मौजूद है, लेकिन फिर भी अब तक भेड़िया नहीं पकड़ा जा सका है। और इसे लेकर ग्रामीणों में अब भी दहशत जो है वो बरकरार है और सभी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब होगा आतंक का अंत।
और बहराइच में मैसी ब्लॉक में जहां पर भेड़ियों की दहशत है वहां पर सोलर लाइट्स और दरवाजे घरों के लगवाए जा रहे हैं। 30 से 35 प्रभावित गांव में प्रशासन लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। आपको दिखाते हैं कोलैला गांव में ग्राउंड रिपोर्ट, जहां पर 3 अगस्त को भेड़िए ने एक बच्चे को शिकार बनाया और इसके बाद वहां के क्या आलम है, क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि ये 3 अगस्त को यहाँ पर घटना हुई थी। हमको लगता है कि जब जुलाई के बाद अगर कोई पहली घटना हुई तो 3 अगस्त को यही हुई सबसे पहली घटना। उसके बाद से फिर एक के बाद एक कई घटनाएं हुई, 10 घटनाएं हो चुकी हैं मार्च से लेकर अब तक, जिसमें से 9 बच्चे शिकार हुए हैं। और हमको लगता है कि बच्चों का शिकार होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि बच्चे खुले में रहते हैं, खुले में अगर सो रहे हैं, घर में दरवाजा नहीं है वहां सो रहे हैं, तो उसका फायदा उठा करके बच्चे को ले गया भेड़िया। आप लोगों ने क्या व्यवस्थाएं की इस गांव में? देखिए इस समय जहाँ जहाँ जो भी घटना इस तरह की हो गई है वहाँ पे जो दरवाजे जिस घरों में नहीं है उनको चिन्हित करके दरवाजे लगवाए जा रहे हैं, और जहाँ लाइटें जैसे कि रात में लाइट चली जाती है उसके लिए सोलर लाइटें जो है क्रिटिकल जो गैप फंड है उससे लगवाए जा रहे हैं। जैसे मैंने गांव में देखा कि तरह तरह आपने अलग 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 घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं, सोलर लाइट्स लगाई जा रही हैं। इस गांव में कितने सोलर लाइट्स, कितने दरवाजे लगाए गए, ऐसे ही अलग अलग गांव में कितने सोलर लाइट्स, कितने दरवाजे लगाए जा रहे हैं? लगभग ये समझिए करीब 300 दरवाजे जो है सभी गाँव में लगभग लग चुके हैं। अच्छा, हाँ, क्रिटिकल गैप से भी जो फंड मिला है उसमें हमारी 10 तो जो सोलर हमारी जो लाइटें हैं हाई मास्ट लाइट्स 10 हैं और 40 हमारी जो है सोलर स्ट्रीट लाइटें जो है लगवाई जा रही हैं। अच्छा, हाई मास्ट लाइट देखो दिखाइए जरा, ये हाई मास्क लाइट भी यहाँ पर इसकी बुनियाद बन गई है और हाई मास्क लाइट भी यहाँ पर लगाई जाएगी, उसकी रोशनी और ज्यादा तेज होगी। एक सोलर लाइट तो यहाँ लगी हुई है, एक और सोलर लाइट हैवी लगाई जा रही है ताकि ये गली पूरी दिखाई जा सके और चारों तरफ रोशनी रहे। कभी कभी गाँव में जो बिजली गुल हो जाती है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और हमको लगता है कि जब ये घटना हुई, आप बता रहे 5 बजे के आसपास, उनकी माता जी बता रही है कि 5 बजे के आसपास डेड बॉडी मिली, इसका मतलब ये सुबह 3 से 4 बजे के बीच में इन्होंने समझा नहीं कि कौन किसको उठा लेकर लेके गया। ये बता रही है कि भाई बगल में सोया तो कुछ सामान लेके गया, सामान लेके गया ये सोचा, और जब देखा कि किचन नहीं है सारे बच्चे हैं, तो ये अंधेरे का फायदा उठा करके, खुले घरों का फायदा उठा करके भेड़िया हमला कर रहा है, यही है। हाँ, इस तरह का थोड़ा सा हुआ होगा, मान लीजिए कभी कभी लाइट चले रात में चली जाती है, हैं तो इस तरह का, हाँ, इस तरह का कुछ हुआ होगा। ये सब बता रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि ऐसा था अब से पहले कभी ऐसी घटना को क्षेत्र में यहाँ पे नहीं हो रही थी तो सब लोग अपने निश्चिंत रहते थे, लेकिन जब इस तरह घटनाएं होने लगी तब लोग थोड़ा सचेत हुए हैं, तब लोग जो है एक्टिव हुए हैं, तब से हम लोग जितने भी जागरूकता रात को लोग हम लोग ड्यूटी लगे हुए हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, नोडल अधिकारी लगे हुए हैं, टीम बनाई हुई है जो कि पूरे गांव क्षेत्र में जो है लोगों को जागरूक करके सबको अंदर सोने के लिए, छत पर सोने के लिए। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।